It's Valentine's Day everybody! <laughs> तो भाई मेरे ग्राउंड के क्या हाल चाल है मुझे पता है तुम लोगों के वैलेंटाइन डे के प्रोग्रामी सेट है रात को तुम्हारे ब्लू लेज आ जाएंगे साथ में एक मैसी फैन हो और तुम पिछले डेढ़ साल से पीएसजी का हर मैच लीग अ का भी हर मैच देख रहे हो भाई मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं लीगा देखूंगा लेकिन ठीक है भाई ये दिन दिखवाता है भगवान बट ठीक है अगर तुम देख रहे थे कौन सी टीम फेस करेगी अब ये पी जो या तो इस टीम की रियलिटी दिखाएगी या रियल पी एच एंड यू नेवर नो विच टीम इज गोइंग टू टर्न अप आगे बढ़ने से पहले डू मेक श्योर टू चेक आउट वन फुटबॉल एप्लीकेशन तुम्हें लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर फुटबॉल से रिलेटेड हर एक चीज से अपडेटेड रहने के लिए चाहे वो कोई ट्रांसफर न्यूज हो या जैसे कि आज चैंपियंस लीग है तो तुम लोगों को टाइम से अगर लाइनअप चाहिए हो कोई भी मैच से रिलेटेड स्टैट्स चाहिए हो कोई भी फैक्ट चाहिए हो भाई मैं हर चीज पढ़ता हूँ वन फुटबॉल एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल जैसे कि फॉर एक्जाम्पल तुम्हें अगर नहीं बताओ तो एक्चुअली में पीएच जी वर्स बहन के अंदर पी एच जी हेड टू हेड में ज्यादा आगे yeah <laughs> पढ़ने को मिलेगा तुम्हें सब कुछ वन फुटबॉल के अंदर शॉर्ट टू चेक आउट वन फुटबॉल फॉर एब्सोल्युटली फ्री तो भाई वैसे मुझे पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से काफी वॉलेटाइल नेचर के साथ बिहेव कर रहा हूँ लाइक आई एम गोइंग टू एक्सटेंड ऑफ जोक्स आई एम गोइंग टू एक्सटेंड ऑफ दिस बट ना आई एम गोइंग टू सिट डाउन जस्ट बिटवीन दो लेग्स एंड ट्राई टू टॉक अबाउट दिस वन मैच ये जो दो किसानों की लड़ाई देखने वाले आज हम पी एच जी और बायिक बाईल आई नो दिस इज फिक्शन फिक्शर ये जो चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ है इसका बेस्ट फिक्शर है एंड वी ऑल एक्सपेक्ट के इससे वही लेवल का

वेट, मेसी विल नॉट मेट एंड नेमर के साथ ऑफकोर्स पी एच जी का बिल्कुल कुछ सही नहीं चल रहा आज का मैच इज एक डिसाइडिंग फिक्सर होगा ये पी एच जी की हिस्ट्री के अंदर क्योंकि जो इन्होंने ये हिस्टोरिक टीम बनाई है ना विच है एपिटोम ऑफ रेलिस्सी फॉर देयर लाइफ टाइम अभी तक बिल्कुल भाई नेमर मेसी एम्बापे ये तीनों को खेला कि दे हैव रीच देयर फाइनल एपिटोम ऑफ सक्सेस अपने नजरिए के अंदर आउटसाइड ऑफ फुटबॉल पिच दैट इज वॉट देव डन बट अब सब कुछ आ जाता है फुटबॉल पिच के ऊपर फुटबॉल पिच के ऊपर ये टीम क्या कर पाएगी जो अभी तक पकचौदी चलती आई है ये, इनके साथ इतने टाइम से जो लंड डिफेंस है इनका जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी इतनी बात करते हुए हैं कि कैसे इनका सिस्टम इतना मिडफील्ड डोमिनेटेड इसलिए है ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा बॉल रख पाए ऑन दी अदर हैंड दे आर गोइंग टू फेस बाय इन म्यूनिक जो प्रॉबेबली अगर नए कोच नेगर्समैन के अंदर डिफेंसिवली थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी दे हैव पुट ऑन बिग परफॉर्मेंसेज बिग गेम्स के अंदर जब भी उन लोगों को टफ ओपोनेंट सेव करना पड़ता है भाई उन लोगों का गोलकीपर या तो ऑफकोर्स कोई गॉड मोड में चला जाता है उन लोगों के डिफेंडर्स दे नो हाउ टू पुल देट बैक एल्फोन डेविस दे हैव गॉट कन सेलो नाउ अगर एक तरफ उनका एल्फोन और डेविज कम पड़ रहा था तो जाओ कन सेलो द मोस्ट टेक्निकल राइट बैक आई हैव सीन इन फुटबॉल लाइक प्रोबेबली दोनों लोडेड प्लेयर हैंकीमी वर्सेज एल्फोन डेविस देखने को मिलेगा आज तुम्हें जो कि अपने आप में आई थिंक इज ग मोस्ट इंटरेस्टिंग बैटल द मोस्ट इंटरेस्टिंग बैटल एम बापे इज नॉट गोइंग टू मोस्ट प्रॉबली स्टार्ट किया फर्स्ट लेग जो स्क्वाड में उसे डाल दिया गया था बट मोस्ट प्रोबेली इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट लेग अगर वो आता भी है तो वो बैंस से आएगा बट एवरीथिंग इज गाइडेड की ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी टीम बॉल कंट्रोल कर पाएगी क्योंकि अगर पी एच डॉल कंट्रोल नहीं कर रही है तो वो टीम बहुत मिलना है वो टीम बहुत बेकार है हमने लास्ट ईयर भी जब रियाल मेडल को पीएचडी फेस करने वाली थी हमने बातचीत करी थी कि कैसे पीएचडी डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज़ नहीं रहती कैसे पीएचडी मिड फील्ड के अंदर, अगर उनके पास बॉल नहीं है उनके मैसी तुम्हें डिफेंसिवली कवर अप नहीं देगा यह हमने मैन सिटी के साथ देखा उन लोगों को हम लोगों ने हजारों बार देखा इस सीजन मखाबी हाइफा के साथ हमने देखा कि कैसे जब ये तीन प्लेयर्स फील्ड के ऊपर होते बारे नहीं होने वाले दो होने वाले बट देन जब एम्बापे फील्ड के

विदाउट अ प्रॉपर स्ट्राइक है क्योंकि आई डोन्ट थिंक यहां पर एक्टीके को स्टार्ट कराना प्रॉबेबली एक वाइस डिसीजन होगा मेरे हिसाब से दे शुड पुट नंबर इन द मिड फील्ड जितने मर्जी हो सके क्योंकि अगर बायल म्यूनिक ने उन्हें बॉल नहीं चलाने दी अगर बायल म्यूनिक ने उनसे बॉल छीन के रखी पूरा टाइम तो पी एस जी आर गोइंग टू सफोकेट एज हेल्ड डोनर रूमा इज नॉट इन फॉर्म सर्जन रैमोस इज नॉट इन फॉर्म उन लोगों के डिफेंडर दे हैव टू चेंज डे इन एंड डे आउट डे नीलो प्रॉब्लली खेलेगा उन लोगों के लिए आई डोट नो मर्किन होगा पीछे तो यू you नो know, अगर उन लोगों से तुम तो बॉल छीन के रखोगे तो दे आर वेरी एक्सपोज

ये प्लेयर्स जी के लिए मैंने कभी उन्हें इतना कवर देते हुए नहीं देखा तो ऑब्वियसली जो बैक थ्री होगा एंड उसके साथ में जो दो मिडफील्डर्स होंगे जो ड्रॉप करके टकिंग करके वो बैक फाइव के अंदर नंबर्स पुटिंग कर रहे होंगे प्रॉबेबली हम लोगों को विटीनिया आगे देखने को मिलेगा या विटीनिया के साथ हमें वेराट एंड फैबियन रूइ हमें ये प्लेयर प्रोबली मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेंगे तो वट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज प्लेयर्स कि ये लोग डिफेंसिवली पीछे आके आर गोइंग टू मेक श्योर कि मुलर के पास बॉल नहीं आ रही है क्योंकि अगर मुलर के पास बॉल आएगी जितनी ज्यादा मुलर को बॉल मिलेगी उतने ज्यादा ये लोग डिफेंसिवली एक्सपोज होंगे क्योंकि हर टीम ने लीग अ के अंदर परेशान करती है एंड देन यू कम टू जिनके पास गनाबरी है जिनके पास कॉमन है जिनके पास मुसियाला है एंड ये उनके वो प्लेयर्स हैं जो ऑफकोर्स एक ऑफ गार्ड देंगे मुलर को हु आर गोइंग टू मेक दोज रन क्योंकि एक बार जैसे ही मुलर ने पुल करा किसी भी एक डिफेंडर को गनाबरी अपना रन निकाल रहा है कॉमन अपना रन निकाल रहा है एंड कितनी देर तक टैकल कर पाएगा भाई सर्जराम से सबको मार्किंग से सबको नहीं कर पाएंगे बिगेस्ट तो क्वेश्चन क्योंकि ऑब्बियली मे भी ड्रॉप करेगा साइमेंटेनियसली ड्रॉप करते हैं कोई एक प्लेयर आगे रहता है रन लगाता रहता है बट यूजली फीडिंग होती नहीं है उस तरीके से हमें लॉन्ग बॉल्स देखने को नहीं मिलती मेसी भी उतना कोई लंबा चौड़ा प्लेयर तो है नहीं इन कंपैरिजन टू एम कि की अगर वो वहां से लॉन्ग बॉल लग रही है तो डेलीट

गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फोर आई नो आई नो यहां पर चीजें हैं जो प्रॉबली तुम बात कर सकते हो कि किस तरीके से एक विंग डोमिनेट जो प्ले है बाइन का वो उनको एक प्लस पॉइंट देगा क्योंकि बैक थ्री सिस्टम है पूरे खोल के रखेंगी अपनी बैकलाइन को पीए थी एंड अगर वो अपनी बैकलाइन खोलती है तो दे वगे मुलर है उसको जैसे तुम स्पेसिस दोगे वही बैकलाइन चोट देगा देट इज सिंपल एज दैट अगर तुम मुलर को प्रॉपर तरीके से बंद करके नहीं रखोगे अगर तुमने स्पेसिस दे दिए ही इज द मोस्ट लीथल प्लेयर इन दोस इन दो सिचुएशन तो तुम वो करके भी नहीं रख सकते तो मुझे एक सर्टन तरीके से एडवांटेज लग रहा है बट देन वंस अगेन पीएस किस तरीके से खेलती है ये पी कैसी एक ऐसी टीम है अगर तो वो बॉल चलाने लग गए मेसी नेमार के पैरों पे अगर बॉल पड़ रही है ये तुम्हारी बैकलाइन उधेड़ देंगे मिडफील्डर्स के साथ फैबियन रूइस बॉक्स के बाहर से शॉट ले रहा होगा विराटी बॉक्स के अंदर वन टूस खेल रहा होगा नेमार के साथ एंड तुम ये चीज़ें नहीं रोक पाओगे अगर पी बॉल चला रही है क्यों क्योंकि ये उनके नेचर में उनके सारे जो एग्रेसिव प्लेयर्स हैं नेमार विटीनिया विराटी मेसी इवन फैबियन रूइस दे आर ग्रेट ऑन द बॉल यही उनकी प्लस पॉइंट है कि अगर वो बॉल चला रहे हैं तो यू आर फकड अप यू आर फकड अप लेकिन अगर तुमने उन्हें बॉल चलानी नहीं दी तो उनके इतने सारे प्लेयर डिफेंसिवली नलीफाइड हो जाते हैं ना पर पता है भाई इस मैच की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ऑफ द फील्ड इतना इंपॉर्टेंट है ये ऑफ द फील्ड पी एच के हिस्ट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इफ़ दे ब्लो इट अप देर गोइंग टू ब्लो अप एंटायर प्रोजेक्ट एक एंटायर प्रोजेक्ट पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था मड्रिड के कम के बाद किस तरीके से हर दूसरे दिन खबर आने लगी थी भाई पी के फैंस ने एमर मेसी को बू कर रहे हैं बापे से रिलेटेड ऑलरेडी खबरें शुरू हो चुकी है कि अभी तो रिन्यू करा था एंड अभी ऑलरेडी फॉल आउट होने लग गए हैं तो एवरीथिंग स्टार्टेड विद जस्ट वन फॉल बैक एक बारी वो लोग हारे से मर्डेड सेवरीथिंग स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट एंड यही होता है नॉकआउट यही होता है अगर तुम राउंड ऑफ सिक्सटीन के अंदर बाहर हो रहे हो एंड वंस अगेन दे आर फेसिंग द ऑल माइटी बाइन म्यू पर भाई देखो आई डोंट नो ये इस मैच के अंदर क्या होने वाला है ठीक है मैं थोड़ा जोक्स में ज्यादा भेजा हूँ आई डोंट नो माइंड पी एच जी एक ग्रेट टीम बना चुकी है ये एज अ क्लब मुझे ऑफकोर्स कुछ फर्क नहीं पड़ता पी के साथ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बायन के साथ आई डोंट केयर इन दोनों में से कौन सी टीम है जीती जाती है वेरी वेरी बट आई जस्ट होप कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो ये जितना दिखने में इंटरेस्टिंग है अगर उतना ही खेलने में भी इंटरेस्टिंग देखने में भी इंटरेस्टिंग होगा तभी तो मज़ा आएगा भाई वरना तो ये हाइप सारी घास करनी चली जाएगी आई फील बाय शुड एक्चुअली हैव विद सारा बाय सबको छठा के मैसी बाय सबको छठा के आई फील बायन के पास एक एक्चुअल एडवांटेज है यहां पे विद एंड पे नॉट बींग फिट एंड बाप पे नॉट प्रोबली स्टार्टिंग दिस गेम जो मोस्ट प्रॉब्बली अभी की है सिचुएशन दे हैव ए सर्टन एडवांटेज एंड अगर वो उसका फायदा उठाते हैं भाई दिस कुड बी ए लीथल गेम फॉर बाइंगज एंड बाई वेरी लीथल गेम और भाई तुम लोग मुझे अपनी प्रोडिक्शन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस मैच से रिलेटेड बस हैप्पी वेलेंटाइंस डे टू यू माई होम इज आई होप यू गेट गेट लेट बस यू गेट नेक्स्ट टाइम पीज आउट स्टे से चक दे फटे टेक के रात को मिलते हैं भाई देखेंगे मैच और क्या करना है भाई अपन तो भाई कुछ है नहीं करना वो बहुत